हरियाणा के सोनीपत से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। सोनीपत के बीच क्लासरूम में एक छात्र ने दूसरे छात्र को गोली मार दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे आरोपी छात्र अपने बैग से पिस्टल निकालता है और दूसरे छात्र पर गोली दाग देता है। गोली लगते ही छात्र बेंच पर गिर जाता है और आरोपी छात्र बड़ी आसानी से वहां से फरार हो जाता है। छात्र की हालत गंभीर है। आरोपी अपने बैग में देसी पिस्टल छिपाकर लाया था, लेकिन इस वारदात से स्कूल प्रशासन भी सवालों के घेरे में है कि आखिर एक छात्र पिस्टल लेकर स्कूल के अंदर कैसे पहुंच गया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद है, लेकिन आरोपी अभी तक गिरफ्त से बाहर है।